हम लोग के जो गाइड भैया हैं वो लेके जा रहे हैं शॉर्टकट के रास्ते वाटरफॉल के पास, शिवधारा, शिव क्या नाम था भैया, गंगाधारा वाटरफॉल के पास कुछ ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे। बचा बचा के आइएगा, शैलेश भाई बचा के आ जाइएगा, मरा जाएगा फिर तखा पे रखा जाएगा। आराम से चलना है, अब हम यहाँ जा रहे हैं गंगा जला जलाशय, बीच में से आइएगा ना तो पत्थर सरक जाएगा, पत्थर सरक सकता है इसलिए संभल के उतरना। आप अगर इस रास्ते आएंगे हमारे पास हालांकि लोकल गाइड है तो समस्या नहीं होगी, उतरने में किसी रास्ता पता है, आराम से खतरनाक वाला रास्ता है भाई लोग। मेरे पैर में पहले से मूंछ है दोस्तों और चोट लगती जा रही है, पेड़ों से बचना होगा। 100% आप अकेले आएंगे तो इन सारी चीजों को नहीं घूम पाएंगे जो भैया हमें घुमा रहे हैं, और अगर आप अकेले आएंगे तो गुम हो जाएंगे और किसके किसके शिकार होंगे आपको नहीं पता है। भैया देखिए कैसे रास्ता बना रहे हैं, बस करिए भैया हम लोग आ जाएंगे। देखना कांटा वाला है भैया, गुफा हो, कांटा से बच के आइएगा, आप और नंगे हुए हैं आपको और मजा आएगा। देखिएगा कांटा है, मजा आप ही को मजा आएगा। आराम से, आराम से। नहीं नहीं भैया बोतल दे दिए, चलिए इसी से पकड़ लेंगे। अगर आपका पैर थोड़ा सा भी फिसला तो सीधे नीचे। भैया ये रास्ता का खोज कौन से सदी में किए थे आप, कितने 100 साल पहले आप ये रास्ता खोजे थे? और बाद में नीचे जाके गांड फटी। अरे बाप रे, सीढ़ी है। अच्छा ये सीढ़ी है, गजब। मतलब ये रास्ता है बिहार सरकार की वजह से हमें इतनी झमेला झेलना पड़ रहा है। भाई ये पहले सीढ़ी हुआ करता था लेकिन बी करने के लिए बी टू ले सकती है, बट इससे फोकस नहीं करा सकती है। अगर यही किसी और स्टेट में होता ना तो ये सवर गया होता आपका। अगर जंगलों में आए हैं तो मोह माया से दूर हो जाइए। हम नहीं आ सकते हैं, काहे से हम नहीं आ सकते हैं, हम आपके क्षेत्र में सासाराम पहाड़ घूम रहे हैं। उधर जाना होगा। अरे बाप तो। अब थोड़ा सा बराबर एरिया मिला, फिर अगर वैसा मिला तो हालत खराब हो जाएगी। जल्दी नीचे अभी कहाँ आए हैं भैया, गोल गोल घुमा रहे हैं। हेलीकॉप्टर बना देंगे क्या?